तो गाइस आज हम एक ट्यूमर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीडियोमॉर्फिक एडिनोमा। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, वो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। और ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर है और ये मिक्स ट्यूमर बोल सकते हो आप। और ये बेनाइन है, मतलब इससे थ्रू कोई कैंसर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो अभी जो इसके सिम्टम्स है वो है, फीमेल में ज़्यादा होता है और 40-70 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं उनको ये दिखाई देता है ये वाला ट्यूमर। और ये पेनलेस है और इसमें से कोई नोडल्स वगैरह निकल सकते हैं कभी, बट ये पेन जनरली क्रिएट नहीं करता और स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे ग्रो करता है। और ये कान के बीच में हो सकता है या फिर कान के पास में भी हो सकता है, कान के नीचे भी हो सकता है, कान के साइड में भी हो सकते हैं। और ये रेटोमोलर पैच जो होता है वो उसके सामने भी हो सकता है। और इसका जो एटियोलॉजी है वो है स्मोक जो लोग करते हैं उसको ज़्यादा दिखाई देता है, या फिर रेडिएशन जिसका एक्सपोज करते हैं, मतलब जो एक्सरे वगैरह ज़्यादा करते हैं उसमें से भी ये बीमारी हो सकता है। और जो सलाइवरी डक जो ब्लॉक हो जाता है तभी ये ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पैरेटल ग्लैंड में ये ट्यूमर हो सकता है। डायग्नोसिस है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड एफएनएसी। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल एक्सक्रेशन, मतलब निकाल देना होता है। और यही था इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर डिटेल्स में और जानना है तो आप कमेंट में कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।